इसराइल की तरह भारत ने लेडी ऑफिसर्स के लिए परमानेंट कमीशन के सभी रास्ते खोल दिए हैं, यानी युद्ध के मैदान पर अब महिला अधिकारी उतनी ही जाबाजी दिखा पाएंगी जितनी मेल ऑफिसर्स दिखाती हैं। पहले महिला अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन ही पा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने आर्म्ड फोर्सेस में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि सशस्त्र बलों में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाली महिला अधिकारियों के पास स्थायी कमीशन लेने का विकल्प भी होगा। उन्होंने इसे बहादुर बेटियों के लिए उपहार बताया था। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना की लड़ाकू पायलटों सहित सभी शाखाओं को अब महिला अधिकारियों के लिए खोल दिया जाएगा। वे नौसेना में सभी गैर समुद्री शाखाओं कैडर विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों के लिए खोला गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा कानून और नौसेना निर्माण शाखा संवर्ग के अलावा महिला एसएससी अधिकारियों को नौसेना आयुध शाखा में पुरुष अधिकारियों के बराबर कमीशन मिल सकेगा। मंत्रालय ने बयान में कहा कि नौसेना में 3 नए प्रशिक्षण जहाजों को शामिल करने का प्रस्ताव चल रहा है। ये महिला और पुरुष अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना प्रदान करेगा। इस बार प्रशिक्षण जहाज आने के बाद नौसेना सभी शाखाओं में महिलाओं को शामिल करना शुरू कर दी।